हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन के हर पार्ट में हमें दो एंगल्स दिए गए हैं और हमें यह बताना है कि कौन से एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं और कौन से एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं। इस एक्सरसाइज की बेसिक वीडियो में हमने आपको समझाया था स्टूडेंट्स, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल आता है तो वो दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं और अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल आता है तो वो दो एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दो एंगल्स दिए गए हैं 65 डिग्री एंड 115 डिग्री। तो अब हमें चेक करना है कि ये दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे, 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, और जब आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। अब क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है तो यहां पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हेंस दिस पेयर ऑफ एंगल्स इज सप्लीमेंट्री, यानी ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सेकेंड पार्ट में भी हमें दो एंगल्स दिए गए हैं 63 डिग्री एंड 27 डिग्री। इसके सॉल्यूशन में हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे और जब आप 63 डिग्री को ऐड करेंगे 27 डिग्री से तो आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स 90 डिग्री। अब क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल आ गया है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यही यहां पर हमने लिखा है, हेंस दिस पेयर ऑफ एंगल्स इज कॉम्प्लीमेंट्री, यानी ये दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल है। थर्ड पार्ट में हमें दो एंगल्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स 112 डिग्री एंड 68 डिग्री, और हमें चेक करना है कि ये दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे, 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। अब क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल आ गया है तो यहां पर हम लिख सकते हैं, हेंस दिस पेयर ऑफ एंगल्स इज सप्लीमेंट्री, यानी कि ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है। फोर्थ पार्ट में हमें दो एंगल्स गिवन है स्टूडेंट्स 130 डिग्री एंड 50 डिग्री। अब हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे, 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, और जब आप 130 को 50 के साथ ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। अब क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है तो यहां पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, हेंस दिस पेयर ऑफ एंगल्स इज सप्लीमेंट्री, यानी कि क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। फिफ्थ पार्ट में भी हमें दो एंगल्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, पहला एंगल भी 45 डिग्री है और दूसरा एंगल भी 45 डिग्री है। तो हम इन दोनों को यहां पर ऐड करेंगे, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और जब आप 45 को प्लस करेंगे 45 के साथ तो यहां पर आपको मिलेगा 90 डिग्री। अब क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल है तो यहां पर हम लिखेंगे, हेंस दिस पेयर ऑफ एंगल्स इज कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सिक्स पार्ट में भी हमें दो एंगल्स दिए गए स्टूडेंट्स 80 डिग्री एंड 10 डिग्री। अब हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे, 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री, और जब आप 80 को 10 के साथ ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 90। अब क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल है तो यहां पर हम लिखेंगे, हेंस दिस पेयर ऑफ एंगल्स इज कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।